ईश्वर दया सागर है। अपने पर भरोसा करने वालों को ईश्वर कभी त्यागते नहीं, भले हम कितने भी कमजोर और पापी क्यों ना हो। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को हमारे बीच में हमारे मुक्तिदाता के रूप में भेजे, और उस पुत्र में जो भरोसा और विश्वास करता है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए ईश्वर अपने पुत्र के दुख भोग, मृत्यु और लहू के द्वारा हम सबों को अपनाना चाहते हैं। उसी के लिए प्रभु यीशु के द्वारा पिता हमें दया की माला बिंद दिए हैं, वही हम उसी पिता पर अपना भरोसा और विश्वास प्रकट करते हुए जिन शब्दों को प्रार्थना को प्रभु यीशु हमें दिए हैं संत फौस्तीना के द्वारा, उन्हीं शब्दों को अपनाते हुए आइए हम पिता के पास पूरे विश्वास और भरोसे के साथ आए और अपनी मांगों को, प्रार्थनाओं को इस दया की माला बिंदी के द्वारा रखें। और आज की दया की माला बिंदी में हम पवित्र आत्मा का वरदान, ईश्वर का भय की मांग करेंगे। साथ ही साथ हम सभी अपने व्यक्तिगत निवेदनों को, प्रार्थनाओं को भी पिता के चरणों में रखकर हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम शुरू करें। सबसे पहले अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखिए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने आप को याद दिलाइए, एहसास दिलाइए कि आप ईश्वर की उपस्थिति में हैं, पिता की उपस्थिति में हैं। पिता के पास प्रार्थना करने के लिए, दया की भीख मांगने के लिए हम आए हैं। और अपने दोनों हाथों को खुला रखिए, अपने हाथों में प्रभु यीशु का दुख भोग, मृत्यु और उनका पवित्र लहू अपने हाथों में लेकर अपने हाथों को ऊपर पिता की ओर उठाते हुए इनके बदले में हम दया की भीख मांगेंगे, विशेष रूप से ईश्वर का भय का दान। और हमारे जो व्यक्तिगत निवेदन है, प्रार्थना है, उन सबको पिता के चरणों में रखकर आइए हम प्रार्थना शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे दया सागर पिता, तू हमसे इतना प्यार करता है कि तू अपने इकलौते पुत्र को हमारे मुक्तिदाता के रूप में भेजा, वह आकर हमारे लिए अपने आप को बलि चढ़ाई। और जब मनुष्य आपके इस प्रेम पर भरोसा नहीं कर सका, उन्हें अपने पुत्र को पुनः संत फौस्तीना को दर्शन देने के लिए भेजा, और वे आकर उन्हें अपने दर्शन में इस प्रार्थना को हमें दिए और उसको करने का तरीका, दिन, समय ये सब निर्धारित किए। हे प्यारे पिता, तेरे इस महान वरदान के लिए, दया के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए आज हम पवित्र आत्मा का दान, ईश्वर का भय की मांग करते हैं। हम सभी तुझ पर दृढ़ भरोसा और विश्वास करते हुए जिए। हम तेरे पास डरते कामते हुए हम आए, क्योंकि तू ईश्वर है, हम निरे मनुष्य हैं, हम सृष्टि हैं। हम तुझे हमारे जीवन में ईश्वर का स्थान, सबसे महत्वपूर्ण स्थान, प्रथम स्थान तुझे हम दे सके। साथ ही प्यारे पिता, यहां उपस्थित तेरे इन संदानों की सभी निवेदनों को, मांगों को, प्रार्थनाओं को भी तेरे श्री चरणों में हम समर्पित करते हैं। तेरे पुत्र के दुख भोग, मृत्यु और लहू के बदले में हम ये सब मांग कर रहे हैं। इन सबको हमें ग्रहण करने और हम सबों को अपनाने की कृपा कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने चाहा कि हम सभी तुझ पर दृढ़ भरोसा रखें, तुझे हम अपना मुक्तिदाता माने, तुझ पर ही निर्भर रहकर अपना जीवन जिए। हमारे साथ मिलकर पिता से हमारे लिए प्रार्थना कर। एक हमारी प्यारी मां मरियम, सभी संतों, स्वर्गदूतों हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रारंभिक प्रार्थना। हे अति मधुर यीशु, तू मर गया लेकिन पुनर्जीवित होकर आत्माओं के लिए जीवन का स्रोत बन गया, और तुझसे सारी दुनिया के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा। हे जीवन का स्रोत अथा ईश्वरीय दया, सारी दुनिया को अपने करुणा से ढक ले और हमारे लिए अपने को अर्पित कर दे। प्रभु यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकला रक्त और जल। मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ।
प्रभु यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकला रक्त और जल, मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ। प्रभु यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकला रक्त और जल, मैं तुझ पर भरोसा रखती हूँ। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय। आमीन। प्रेरितिक धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि करता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और इसके लौते पुत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करती हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, क्वारी मरियम से जन्मा, पोंतुस पिलातुस के समय दुख होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करती हूँ। आमीन। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को मैं तुझे चढ़ाती हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र
हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को मैं तुझे चढ़ाती हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को मैं तुझे चढ़ाती हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त,
आत्मा और ईश्वरता को मैं तुझे चढ़ाती हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमरेश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमरेश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमरेश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को मैं तुझे चढ़ाती हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त, प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। करुणा के लिए प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर, हम और हमारे माँ बाप, भाई बहनों, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा कर दे। हम
हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पवन लहू से हमें हमारे परिवारों और हमारे सब वस्तुओं का अभिषेक कर। तू हमें अपना बनाकर तेरे पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन।